हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। आज थोड़ा लेट व्लॉग शूट किया है तो अभी लंच टाइम हो रखा है, तो अभी आपको दिखाते हैं लंच में मैं क्या खा रही हूँ और उसके बाद लंच कंप्लीट करने के बाद फिर आगे का दिन शुरू करते हैं। तो गाइस, ये रही मेरी थाली, ये राबड़ी। बहुत कम लोग जानते होंगे राबड़ी क्या होता है। गाँव में, जाटों में राबड़ी बहुत फेमस होती है। ये राबड़ी और ये चना और तोरी, ये निष्ठा की रोटी और ये मेरी, और भी खाती हूँ ये हॉटकेस में ताकि गर्म रहे, और ये निष्ठा। निष्ठा हाय। तो गाइस, लंच तो हो चुका है। आज लंच में तोरी और चने की दाल बनाई थी। आई स्वेयर मैंने कभी नहीं खाई। मेरे पेरेंट्स जो थे, मेरी मम्मा मेरी नानी, बोल बोल के थक गए थी कि खा ले अच्छी होती हरी तोरी, खा ले अच्छी होती हरी तोरी, लेकिन मैंने कभी नहीं खाई। अब निष्ठा की वजह से खानी पड़ रही है, क्योंकि मैं खाऊंगी तभी तो निष्ठा खाएगी, तो निष्ठा की वजह से खानी पड़ी। और कौन कौन ऐसे पर्सन है कमेंट में बताना जिन्हें बच्चों के लिए सब कुछ खाना पड़ता है, जिन्होंने बचपन में कभी खुद नहीं खाया होगा। तो अभी आज का दिन आई थिंक बोरिंग जाने वाला है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है करने को। अभी नीतीश का वेट हो रहा है, नीतीश कब आएंगे, अभी वो आए नहीं है। और टाइम हो रहा है 4:15 आ गए मेरी घड़ी, 4:30 हो चुके हैं और यहाँ निष्ठा अपने में बिजी है। तो चलिए बाहर का एक बार वेदर देखते हैं, बाहर मौसम कैसा है। बहुत गंदी धूप निकली हुई है बाहर, बहुत गर्मी है यार। ये देखिए गाइस, कितनी गर्मी हो रही है। और 5 बजने वाले हैं और ये धूप है जो जाने का नाम ही नहीं ले रही। हवा भी चल रही है लेकिन वो हवा नहीं, उसे लू कहते हैं शायद, देखना। और इस गर्मी की वजह से इसके इतने अच्छे बाल हमने कटवा दिए और इसको गंजा कर दिया। हाँ, एक आइडिया आया, हम एक चीज़ कर सकते हैं। उस जब हमने लास्ट गोलगप्पे का चैलेंज किया था तब नीतीश हार गए थे, तो मैंने ये बोला था कि 2 पनिशमेंट मिलेगी। एक तो उन्होंने नींबू खा के कंप्लीट कर दी थी और एक पनिशमेंट और थी। वो पनिशमेंट मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम आज शेयर कट करें, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा व्लॉग। मैंने फर्स्ट टाइम करूँगी और नीतीश भी फर्स्ट टाइम उससे हेयर कट करवाएंगे। अभी उन्हें नहीं पता है ऐसा कुछ, अभी वो आते हैं तो उनसे बात करते हैं कि अगर वो एग्री हो जाए हेयर कट के लिए, क्योंकि हम तो घर पर हैं बट उसको तो बाहर जाना होता है। तो नीतीश आते हैं, देखते हैं अगर वो हेयर कट के लिए एग्री हो जाए, होना पड़ेगा, बाकी पनिशमेंट है उनकी। तो आज उनका हेयर कट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हेयर कट कैसा हुआ। तो गाइस, नीतीश आ चुके हैं। अभी नीतीश से पूछते हैं, नीतीश को पूछते नहीं, नीतीश को बताते हैं कि उनकी सज़ा क्या है। पर उससे पहले आप लोगों से एक चीज़ शेयर करनी थी, मेरे साथ थोड़ी सी ट्रेजिडी हो गई है। मैं निष्ठा के साथ खेल रही थी और मुझे लगता है मैं कुछ अलग ही लेवल का खेल गई हूँ। मेरी यहाँ से नस खिंच गई है, जिस वजह से मुझे बोलने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत पेन हो रही है। तो जहाँ समझ नहीं आएगा मुझसे पूछ लेना, क्योंकि मुझसे सीरियसली मुझसे इससे ज़्यादा मुँह नहीं खुल रहा है। अभी नीतीश के रिएक्शंस देखते हैं और उन्हें बताते हैं कि आज उनके साथ क्या होने वाला है। तो नीतीश को कैमरे में लेते हैं। तो नीतीश, आज आपको याद होगा हमने जब गोलगप्पे चैलेंज किया था तो मैंने 2 पनिशमेंट रखी थी, एक बता दी थी और एक नहीं बताई थी। तो एक जो पनिशमेंट उस दिन तो आपने कर दी थी, और दूसरी पनिशमेंट आपकी बताई क्या है, आंखें बंद करो। क्या चीज? आंखें तो बंद करो। ये क्या है? ये आपकी दूसरी पनिशमेंट है। ये पनिशमेंट ये है कि खाना थोड़ी है, ये आपको अपने बाल कटवाने होंगे, क्योंकि मुझे मेरा पति ऐसे बिखरा बिखरा अच्छा नहीं लग रहा है। अरे अच्छे तो नहीं। तो आज नीतीश की ट्रिमिंग लास्ट ऑप्शन है, ट्रिमिंग देखेंगे, कोई पक्का नहीं है क्योंकि मैंने आज से पहले कभी ट्रिमिंग करी नहीं है। हाँ, बाल अपने काटे हैं। तुमने कभी ट्राई भी नहीं है? मैं गलत कट के गंजा हूं। नहीं, मैंने एक बार अपने जीजू की हेयर कट नहीं, शेव करी थी। हाँ करी थी, बट उनकी क्लीन शेव करी थी। आज देखते हैं नीतीश, तो कैसा लग रहा है आपको गोलगप्पे हार के? गोलगप्पे कुछ खाने का मेरे को सजा देते, खा लूंगा मैं कुछ खाने का, मिर्च वगैरह खा लेते। ये थोड़ी खाने का तो चल जाएगा यार, हेयर कट करनी चलेगा। तुम गलत काट दिया तो मेरा तो ड्यूटी पे जाना होता सुबह सुबह। कोई बात नहीं, थोड़ा इतना नहीं काटूंगी, जितना मुझे ठीक लगेगा मैं उतना काटूंगी, ठीक है? और खराब हेयर कट हुआ तो गंजे हो जाना।
और ड्यूटी यार उसको भी तो गंजा करा दिया हमने, तो उसको करा दिया तो मैं तो मेरे को तो बाहर यार इतना तो चलता है ना। ये पनिशमेंट है, मैंने आपसे पूछा नहीं है, ये आपकी पनिशमेंट है, आपको करनी पड़ेगी। तो अभी चलते हैं, नीतीश के हेयर कट करते हैं। इससे मुझे नहीं लगता नीतीश आज के बाद कोई चैलेंज करेगा मेरे साथ। तो अभी यहाँ कस्टमर रेडी है, कस्टमर नहीं है मेरे साथ, चीटिंग हो रही है। खाने के चैलेंज हुआ था, कोई कटिंग का चैलेंज नहीं हुआ, और यहाँ पे मेरे हेयर कट कर रहे हैं। हमने ये नहीं बताया था कि सेकंड पनिशमेंट क्या मिलेगी, लेकिन हम कट करेंगे। ये रही चेयर, ये रहे मेरे औजार और बार्बर, और ये रहा कस्टमर, और अभी मिरर लगाते हैं और सेटअप तैयार करते हैं और हेयर कट। मेरे बालों की कटिंग स्टार्ट होने वाली है, आगे की लाइट कम है यार। हेयर कट करना स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ी सी नर्वस हो रही हूँ मैं खुद भी, तो थोड़े से भी गलत कट गए ना तो मेरे साथ चीटिंग हो रही है। चीटिंग इतनी no, बड़ी no, 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 no. इतनी बड़ी पनिशमेंट किसी को नहीं मिलती। आइए आइए आइए, जितने की हेयर कट मैं करूँगी ना, इतने में ना लोग 50,000 की हेयर कट करवाते हैं, पता आपको। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं नीतीश का हेयर कट। नीतीश के बाल थोड़े कर्ली हैं तो इस वजह से हाथ में सेट नहीं बैठ रहे, और थोड़ा नर्वस भी हो क्योंकि बहुत गालियां पड़ रही हैं। मैं तो कभी हेयर कट होते भी नहीं देखे हैं, करना तो बहुत दूर की बात है। तो नीतीश कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही बेकार, अपने बालों का बलिदान देते हुए। और वो भी कितने खतरनाक पर्सन से, जो गंजा भी कर सकता है। टेंशन मत लो, आपके बालों में पता भी नहीं चलेगा। मैं को लग रहा बाल ही नहीं पता चलेंगे या नहीं, इतने भी गंदी हरकत नहीं करती। मैंने पार्लर का कोर्स कर रखा है लेकिन कटिंग करनी, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से पकड़ू, कभी कहाँ से पकड़ रही हूँ कभी कहाँ। पहले एक तरफ से बर्फ बार करना। अगर किसी को ट्रेनिंग लेनी हो, सीखना हो ना, तो मुझे बता सकते हैं, मैं सिखा दूंगी फ्री में, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। कमेंट में बताइए, कमेंट में बताइए जिसके सफेद कट करवाने चाहिए। करियर गंजा हो जाऊंगा फिर तुम देख मैं कैसा लगूंगा तुम्हारे साथ घूमता हुआ। मैं घूमूंगी नहीं, मेरी तो चलेगी। नीतीश कैसा लगेगा गंजा होता हुआ? एक तो तुम्हारे बाल कट रहे हैं लॉकडाउन में, तुम्हें शांति नहीं मिल रही, तुमने कौन सा किसी की शादी में जाना है? बाहर ऑफिस तो जाना होता है। शेव भी हो चुकी है, शेव की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि स्टार्टिंग में नीतीश ने करी थी, उसके बाद एंड मैंने की है। अभी नीतीश नहा आए और उसके बाद आपको नीतीश का फाइनली लुक बताती हूँ और देखती हूँ कि वो क्या कहते हैं उनकी कटिंग कैसे हुई है। तब तक मैं भी खाना बना लेती हूँ और नीतीश के नहाने का और रेडी होने का वेट कर। तो इसी तरह से गाइस नीतीश नहा के आ चुके हैं, तो अभी नीतीश का फाइनली लुक दिखाती हूँ आपको, नीतीश कैसे लग रहे हैं। तो नीतीश आपको कैसे लग रहा है अपना न्यू हेयर स्टाइल? लुक अच्छा है पर कहीं कहीं पे थोड़ी थोड़ी गलती है, नेक्स्ट टाइम अच्छे वाले हेयर कटर बन जाओ, सैलून खोल सकते हो आप।
तो गाइस बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, हेयर कट तो हो गया, और इसी के साथ अब व्लॉग का एंड करते हैं क्योंकि 10 बज चुके हैं रात के और अभी तक खाना भी नहीं खाया, और मेरे फेस से देख के लग ही रहा होगा कि थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। बाय बाय।